सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जल्दी से जाना है। हाँ बेटा, पहला दिन है, लेट नहीं होना है। अरे बेटा सुन। अरे अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं चली जाऊंगी, आप लोग साथ में क्यों आ रहे हैं? खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज अब्बू। चांद बेटा, लो दूध। अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ले लेती। अपनी प्यारी बेटी का ध्यान रखना एक अम्मी के लिए तकलीफ नहीं, खुशकिस्मती है। लेकिन अम्मी, आपके घुटनों में भी तो दर्द था ना, अब आप खाना मत बनाना, वो मैं बना लूंगी। बेटा, अगले हफ्ते से तुम्हारा एग्जाम है ना, अभी तुम बस पढ़ाई करो। तुम्हारी छुट्टियां होंगी ना, तो जितना मर्जी काम करना। जी अम्मी। अरे सूरज बेटा, तुम चांद के साथ पढ़ाई करने आए हो ना? जी आंटी। बाजार जा रही हूँ, तुम्हें चाय कॉफी किसी चीज की भी जरूरत हो तो चांद को कह देना। हाँ ठीक आंटी। अच्छा बेटा आओ ना सूरज, बैठो।
उमेश अंकल बता रहे थे कि तुम्हें पढ़ाई में कुछ मदद चाहिए, बताओ कौन से सब्जेक्ट्स में चाहिए? देखो, ना ही मुझे तुम्हारी कोई मदद चाहिए और ना ही मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है। मुझे अपना फैमिली विजन ज्वाइन करना, लेकिन ये बात मेरे पाप को समझ नहीं आती और मुझे भेज दिया तुम्हारे पास। देखो सूरज, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के लिए भी तो पढ़ाई करना जरूरी है ना। और अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो उमेश अंकल को भी तुम पर कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे मेरे बाप का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। हम 20 साल से पड़ोसी हैं, तुम अच्छे जानती हो कि मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही होगा। मैं जा रहा हूं, अगर पापा का फोन आए तो उन्हें कहना मैं यहां आया था और तुमने मुझे पढ़ाया। सूरज, क्या हुआ, कैसा रहा तेरा चांद प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस का पहला दिन? पूछ मत यार, मॉरल साइंस के लेक्चर देने लग गई थी। पता नहीं यार, मेरे माँ बाप को चांद में क्या दिखता है, चांद संस्कारी है, चांद पढ़ी लिखी है। अरे यार, पढ़ने लिखने की जरूरत उसको है क्योंकि उसके पापा इतना नहीं कमाते, मेरे पापा इतना पैसा कमाते, तो मैं क्यों पढ़ूं? क्या सर? हेलो, कहाँ हो बेटा? पापा, मैं चांद के घर। अच्छा अच्छा, पढ़ाई करने गए हो? जी पापा। चांद ठीक से तो पढ़ा रही ना बेटा तुमको? जी पापा, चांद अच्छे से पढ़ा रही है। क्वाइट इंटेलिजेंट। कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा? पापा, गाड़ी बैठो। पापा, गाड़ी में बैठो, चलो। चांद बेटा, मेरा बेटा तो बेवकूफ है, नालायक, इसीलिए तुम्हारे पास खुद पढ़ने के लिए छोड़ा। अगर ये वहां से कहीं चला गया था तो तुमने मुनासिब नहीं समझा कि मुझे फोन करके बता देगी। सॉरी अंकल, वो सूरज ने बताने से मना किया। सूरज तो पागल है। बस मम्मी, तू चुप कर, तेरी वजह से जय भी बिगड़ रहा है। आंटी, आप प्लीज इसे डांटिए मत, ये फिर से ऐसा नहीं करेगा, मैं खुद इसे पढ़ाऊंगी। इस नाला के पीछे अपना वक्त मत बर्बाद करो, तुम बस अपने नोट्स दे दो इसको। जी अंकल। और सुन, तू जा और जाके पढ़ाई कर, अगर इस बार फेल हुआ ना तो तुम देख लेना, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। फॉर्मूला बात तो समझ नहीं आई। हाँ बोलना। सूरज, हम सब लोग आज दारू पार्टी कर रहे हैं अपने अड्डे पे, तू भी आ जा। अरे नहीं यार, कल एग्जाम है और इस बार पापा मुझे पैसे देकर भी पास नहीं कराने वाले। अबे तूने अब तक नहीं पढ़ा तो एक रात में क्या पढ़ लेगा? आजा सब लोग मिलके चिल करते हैं। कल तू अपनी उस पड़ोसी चांद से कॉपी कर लेना। सूरज, क्या हुआ भाई, एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या? उस चांद की बच्ची ने एक आंसर नहीं दिखाया, बोली कि सूरज मैं कॉपी नहीं करने दूंगी, अब उसकी वजह से मैं फेल हो जाऊंगा। बहुत घमंड है उसे, फोन करके पता लगा वो कहाँ है, हम चल के उसे सबक सिखाते हैं। सही कह रहे।
पापा चांद के साथ? हाँ, थोड़ा सा काम था चांद बिटिया से, तो मैंने उसे घर पे बुला लिया। तुम भी एक काम करो, अपने आवारा दोस्तों के साथ छोड़ के घर पे आ जाओ। जी पापा, अभी आया। यहाँ पर ना, यहाँ पर, यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स के पास उसे जाएंगे तो यहाँ ये फैक्ट्री। चांद, ऐसा तुम यहाँ? और ये तो हमारे ऑफिस की फाइल है। कल से चांद बेटी जो है ना, वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगी। क्यों? मेरा मतलब तुम कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लोगी? अरे भाई, सोचा तो इसने भी यही था कि ये स्पॉन्सरशिप लेगी, लेकिन इतनी होनहार लड़की को मैं अपने हाथों से क्यों जाने दूं? अरे सूरज बेटा, तुम आ गए? हाँ माँ। कैसे गया एग्जाम तुम्हारा? अच्छा गया। अच्छा फिर मैं भी घर चलती हूँ, कल आती हूँ ऑफिस। हाँ हाँ बेटा। जब देखो चांद चांद चांद, जीना हराम कर दिया चांद ने मेरा। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, हर जगह मुझे उससे कंपेयर किया गया, लेकिन यहाँ भी बस नहीं हो। मेरे पापा ने उसे अपने बिजनेस में ज्वाइन करा लिया। सूरज परेशान मत हो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि उनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तू संभाल सकता है। पता है, मैंने पापा के लिए बिजनेस प्लान बनाया, और कल जाकर मैं पापा को वो प्लान दिखाऊंगा और उनको बता दूंगा कि उनका बेटा किसी से कम नहीं है। चेयर्स। अरे वाह, आज तो तुम इंसान लग रहे हो। पापा, हमने कभी कहा नहीं, लेकिन हम भी आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आर यू श्योर? हाँ पापा, वो आप कपड़े मैन्युफैक्चर करने की नई फैक्ट्री लगाना चाहते थे ना, तो पापा उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया, ये देखिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाय। अच्छा हुआ, बहुत सही मौके पर आई हो। वो जो हम नई फैक्ट्री डालने वाले थे ना कपड़ों की, उसके लिए सूरज ने बिजनेस प्लान बनाया, जरा चेक तो करो। जस्ट चेक इट आउट। ऑल ओके अंकल, ये प्लान तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि तुम जिस जमीन को खरीद कर उस पर फैक्ट्री बनवाना चाहते हो, वो एग्रीकल्चरल लैंड है। लेकिन पापा, मेरी ब्रोकर से बात हो चुकी है, वो सब सेटिंग कर देंगे। लेकिन ये तो गलत है ना? उमेश अंकल, आपने इतने सालों की मेहनत से इस कंपनी का नाम बनाया है, ब्रांड नेम बनाया है। अगर हम ऐसे अनएथिकल काम करेंगे तो हमारी कंपनी का ब्रांड नेम भी तो खराब हो सकता है। लेकिन पापा, इस कंपनी से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। बस यही तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा सूरज बेटा, कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसा कैसे कमाया जाता है ये देखना भी बहुत जरूरी, ये समझना तुम्हारा बहुत जरूरी। और वैसे भी हम अपनी कंपनी के इस ब्रांड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। चांद बिल्कुल सही कह रही है। आई डू एग्री। और मुझे सुनो, तुम्हारे कंपनी ज्वाइन करने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें कंपनी के तौर तरीके सीखने होंगे, कायदे कानून सीखने होंगे, और चांद तुम्हें सही तरीके से सिखा देगी। ओके ओके, लेट्स गो चांद, कम ऑन, लेट्स गो टू द ऑफिस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी बुराई दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। सूरज के मन में बचपन से ही चांद के प्रति किसी न किसी बात को लेकर जलन और ईर्ष्या की भावना रही, लेकिन खुद की कमियों को सुधारने की बजाय वो चांद को अपना दुश्मन समझकर उससे घृणा करने लगा। नमस्कार, मैं गिरीश जैन,
स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। आज की हमारी कहानी एसिड अटैक के संगीन जुर्म पर आधारित है। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि इंसान की गलत मानसिकता जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। चांद? हाँ सूरज, क्या हुआ? ये भोलेपन का नाटक बंद कर, समझी? और दूर हो जा मुझसे और मेरे परिवार से। मैंने क्या किया? जीना हराम कर दिया तूने मेरा। बचपन से तेरी तारीफ सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। लगा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद तुझसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन तू कहाँ मेरा पीछा छोड़ने वाली? तू मेरे फैमिली बिजनेस में जा गई और यहाँ तक कि मेरा बिजनेस प्रपोजल भी रिजेक्ट करवा दिया। सूरज, तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन करने नहीं गई थी, उमेश अंकल ने मुझे ऑफर किया था और तुम्हारा बिजनेस प्लान चेक करने के लिए भी उन्होंने ही तो मुझे कहा था। मेरे माँ बाप तेरे प्यार में अंधे हैं, लेकिन तू मेरी बात सुन, दूर हो जा हम सबसे, समझी? याद रखियो इस बात। ये अभी तक नहीं आई, 12 बज गए। चांद को क्या हो गया? चांद कभी लेट तो नहीं होती है, कहीं किसी मुसीबत पे तो नहीं फंसी है? आप फोन कीजिए ना। उसे फोन मत कीजिए डैड। क्यों? उसे यहाँ आने से मैंने मना किया है। किस लिए? क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और आप मेरे बिजनेस प्रपोजल उसे चेक करवाते हो। आपका बेटा हूं मैं, आपका बिजनेस संभालने का हक है मुझे। बिजनेस हक से नहीं, नॉलेज से संभाला जाता है। पापा सही कह रहे हैं, कितनी बार पैसे दिए तुझे पास करवाया, पहले तू काबिल बन और फिर बिजनेस मांगना। चल अब चांद को फोन कर, उसे माफी मांग और यहाँ बुला। मैं कोई फोन नहीं करने वाला उसे, और ना ही वो यहाँ आएगी। कह दिया तो कह दिया। चांद चांद चांद, बिल्कुल सही कहा तूने कि तू उसे फोन करके माफी नहीं मांगेगा। चांद बेटा, चांद बेटा, चांद बेटा, क्या बात है भैया, आप इतने घबराए हो? घबराने की बात नहीं है, मैं एक्चुअली चांद से मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आया हूं। चांद, चलो जिस काम से आया वो काम कर। चांद, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं गुस्से में था, तुम हमारा फैमिली बिजनेस फिर से ज्वाइन कर लो प्लीज। इट्स ओके सूरज, लेकिन मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम्हें इसकी बात का इतना बुरा लगा है तो मैं खुद बजाते खुद तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, आप तो मेरे पड़ोसी हो और सूरज सूरज तो मेरे बेटे जैसा है। हाँ भाई साहब, दरअसल बात यह है कि चांद को जेपी एसोसिएट में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी है, कोई खाली हाथ तो नहीं? कोई पार्टी तो मैं दूंगा। अरे बिल्कुल दीजिए जनाब, भाईजान आप बिल्कुल दीजिए, आपका तो हक बनता है, आपकी बेटी जैसी है ना वो। इतना दारू तू किस गम में पी रहा है? देख, तू चाहता था कि चांद तेरे बिजनेस से निकल जाए, तो निकल गई। बिजनेस से तो निकल गई, लेकिन मेरे बाप के दिमाग से कभी निकली। एक हफ्ते बाद कॉलेज का रिजल्ट आने वाला है, मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और मेरे पापा मुझे फिर से सुनाएंगे। तो एक हफ्ते बाद जो होगा उसका टेंशन तो अभी मत ले। देख,
कल तेरे मॉम डैड बाहर जा रहे हैं ना, मतलब तेरे घर पे कोई नहीं होगा, जम के पार्टी करते हैं, क्या बोलता है? ठीक है। अरे चांद बेटा, तुम्हारी सेवैया बन गई हो तो लाओ भाई जल्दी। हाँ वो बस हो गया। सब्र कीजिए, ला रही है। लीजिए, गर्मा गर्म सेवैया तैयार है। वेरी नाइस। वाह बेटी वाह, तुम तो अपनी अम्मी से भी बेहतर सेवैया बनाने लगी। दो दिन जितना चाहे बेटी के हाथ का खा लो। एक बार जब नौकरी शुरू हो गई ना, फिर इसे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अपने अम्मी और अब्बू के लिए मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। चांद बेटी। अरे सुमन आंटी आइए ना, मैंने सेवियां बनाई हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ी जल्दी में आऊँ, मुझे तुझसे बात करनी थी। क्या हुआ आंटी? एक्चुअली मैं और सूरज के पापा बाहर जा रहे हैं फंक्शन में, तू उसे ना जय का ख्याल रखना, कल उसका एग्जाम है और तुझे तो पता है सूरज का रवैया। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जैसे मिलने चली जाऊंगी और अगर उसे पढ़ाई में कुछ मदद की जरूरत होगी तो वो भी कर दूंगी। ठीक है बेटा। रुखसार जी, आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपको चांद जैसी बेटी मिली है। मैं चलती हूँ बेटा। जी आंटी। जय। हाँ भैया, मेरे दोस्त आ रहे हैं पार्टी के लिए, तो जाकर तू स्नैक्स ले आ। लेकिन पापा को पता चला तो? इतना डर लग रहा है ना, तो अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर, पार्टी हम लोग कर। नहीं नहीं भैया, पार्टी मुझे भी करनी प्लीज। मम्मी पापा को तो नहीं बताएगा ना? नहीं बताऊंगा भैया किसी को। चल जाते हैं। चांद दीदी आप यहाँ? हाँ, दरअसल वो अंकल आंटी ने बोला था कि कल तुम्हारे एग्जाम है, तो मैंने सोचा आकर पूछ लूँ, तुम्हें पढ़ाई में कुछ मदद तो नहीं चाहिए? इसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, अगर इसे मदद की जरूरत होगी तो ये मुझसे मांग लेगा। तुम बिना चीटिंग किए खुद तो कोई एग्जाम पास कर नहीं सकते, छह को क्या पढ़ाओगे? थैंक यू चांद दीदी, पर मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, बस मैं रात को रिवीजन करके सो जाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पक्का? हाँ पक्का। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके बाय। क्या सूरज भैया, आप भी ना, तो आप चांद दीदी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो पापा मम्मी आपको ही सुनाएंगे ना, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप इनसे दूर ही रहिए। तो फिक्र मत कर, जा। ठीक है भैया। आ जाएगा मजा। अरे वाह जय, इतने सारे स्नैक्स, दिल जीत लिया तूने तो। दोस्त लोग भी आते होंगे। अरे अरे लो, भाई कैसे? अरे कैसे हो, कैसे हो? अरे आओ ना। हाँ भैया, तूने कभी दारू पी है? नहीं भैया। आज पी के देख। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं नहीं, मैं पीता ही नहीं। थोड़ा सा तुझे पीनी पड़ेगी, वो भी अपने बड़े भाई के हाथ। भैया ऐसा मत करो प्लीज। नहीं मैंने कहा ना पी। नहीं पीऊंगा भैया मैं, मेरा शेर ना पी। अरे एक घूंट पी। नहीं भाई, पिज़्ज़ा और दिखा दे सबको तू मेरा भाई है। मेरे भाई पूरी पिज़्ज़ा पूरा गिलास खत्म कर दे, मुझे तेरे भाई की कसम, जल्दी पी। ये हुई ना बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे भाई का कल एग्जाम है और तुम उसे पढ़ाने की बजाय पार्टी कर रहे हो।
उसे शराब पिला रहे हो? अगर अंकल आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, सोचा है? मैं अभी अंकल को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। मुझे दर्द हो रही है। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। सूरज खन्ना को थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था। तो समझते क्या अपने आप को? ज्यादा शाणी बनती है? ज्यादा सती सावित्री समझती है अपने आप को? बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर? देख तेरा घमंड कैसे तोड़ता हूं। सूरज भैया क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें प्लीज। तू नहीं जानता छोटे, ये पसंद करती है मुझे, तभी तो बार बार मना करने पर यहाँ आती है। प्लीज मुझे जाने दो। I'm sorry. ये अचानक से तुम्हारे सुर क्यों बदल गया? क्या हुआ? थोड़ा प्लीज मुझे। इतनी भी जल्दी क्या जाने? हाँ, हमारे साथ पार्टी तो एंजॉय करना। क्यों भाई हो? तो शराब तो पी, कसम से मजा आ जाएगा तुझे भी। पी पी पी, मैं कहता हूँ पी पी, क्या ना पी पियो पियो। आबरू से खेला तूने? तू, तेरा बड़ा भाई कुछ भी करेगा तो उसको कुछ नहीं बोलेगा। तू शराब पी, शराब पी तूने, शराब शराब पी तूने बिना इसको? हाँ, अरे इससे तो बेहतर होता कि मैं बेऔलाद ही होता। अब उससे तू माफी मांगेगा? माफी मांग, मांग, मांग माफी, मांग, मांग माफी, माफी मांग। मुझे माफ कर दो। माफ कर दे बेटा, तुझे अगर सूरज के खिलाफ कंप्लेन करनी हो तो हम तेरे साथ हैं। आंटी, मुझे घर जाना। दूर हो जा मेरे ससुर से। I said get lost. Get lost! हाँ विक्की, बोल। एक बैड न्यूज है। क्या क्या बैड न्यूज है? वो रिजल्ट आ गया है। तो फेल हो गया है और उस चांद ने टॉप किया है। और ये बात तो तू अपने घर वालों से भी नहीं छुपा सकता। मतलब पापा मुझे फिर सुनाएंगे उस चांद की वजह से? छोड़ूंगा नहीं उसे। कल उसके ऑफिस का पहला दिन है ना।
प्रतिशोध जितना पुराना हो उतना ही घातक होता है। सूरज चांद से बचपन से नफरत करता था। काश सूरज के माँ बाप उसके अंदर पनप रहे हैवान को पहले ही भाप लेते तो बात शायद इतनी गंभीरता तक नहीं पहुंचती। लेकिन सच का झूठ से वही संबंध है जो उजाले का अंधेरे से। सच बाहर आएगा ये तो तय है, लेकिन कैसे आएगा आइए देखते हैं। अम्मी अबू नाश्ता तैयार है और आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है इसलिए मैंने आज डाइट फूड बनाया है। हम अपने खाने का देख लेंगे बेटू, पहले तू ये बता तूने खाना खाया? हाँ अबू मैंने किचन में खा लिया था इसलिए अब भूख नहीं है, बस काम के लिए लेट हो रहा है जल्दी से जाना है। हाँ बेटा पहला दिन है लेट नहीं होना है। जी अम्मी खुदा हाफिज अब्बा। खुदा हाफिज अम्मी। अरे बेटा सुन। अरे अम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ मैं चली जाऊंगी, आप लोग साथ में क्यों आ रहे हैं? अल्लाह हमेशा तुम्हें यही बरकत दे और तुम्हारी हिफाजत करे। अभी जाओ। खुदा हाफिज अब्बू। खुदा हाफिज अब्बू।
कहाँ है तू? मम्मी मैं वो विकी घर गया था उसकी बुक वापस करने के लिए। जल्दी से केसी हॉस्पिटल आ जा, चांद पर किसी ने ऐसे अटैक किया है। क्या? ओह गॉड। हाँ मम्मी बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है। चांद के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। जैसा कि चांद ने बताया कि उसके ऊपर जिसने भी तेजाब फेंका है उसे उसने देखा नहीं। क्या आप लोगों किसी पर शक है? मेरी बेटी का कोई क्या दुश्मन होगा? मुझे एक चींटी भी नहीं मार सकती है। मैं अपनी कार्रवाई करता हूँ, जो कुछ भी पता चलेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब पापा तो मुझे अपने बिजनेस मिलेंगे नहीं, सोचता हूं मैं एक्टर बन जाऊं। ऐसी एक्टिंग की मैंने कि किसी को शक तक नहीं हुआ कि चांद पर तेजाब मैंने फेंका। और तुम्हें पता है मम्मी पापा अभी तक उसके लिए दुखी बैठे हैं। कल टीचर का फोन आया था उनको ये बताने के लिए कि मैं फेल हो गया, लेकिन मम्मी पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चांद को चोट लगने से वो इतने परेशान हो जाएंगे पता होता तो तू ये काम कब का कर दिया होता। हाँ कब का कर चुका होता। उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसे तड़पता हुआ देखने में जो मजा आया ना, बचपन की भड़ास निकल गई। अब देखता हूं उससे मेरी बराबरी कौन करेगा। तू तो उसकी बराबरी के लायक भी नहीं। तुझे क्या लगा कि तू उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करके चैन से रह लेगा? कभी चैन से नहीं रहेगा। अरे मुझे तो शक उसी दिन हो गया था मैंने तेरे हाथ पर टैटू बना हुआ देखा था। मैं उस टैटू वाले के पास गया, उसने मुझे बताया कि उसने तेरे हाथ पर ये टैटू बनाया। तेरे हाथ पर जो एशित के निशान थे ना उसको उसने छुपाया। अरे यार कैसे पूरा बिखरा पड़ा। अरे ये भी ठीक करना, कब सुधरेगा मेरा बेटा? डॉक्टर चांद के जख्मों पे लगा रहे थे, ये सूरज के पास कैसे? सूरज आया मॉम। हाँ माँ। ये दवाई किस लिए है? ये वो टैटू बनाया ना इसके लिए। अरे तुझे तो अपना बेटा कहते हुए मैं मुझे शर्म आती। अरे क्या बिगाड़ा था उस चांद ने तेरा? अरे क्यों किया? क्यों बर्बाद की उसकी जिंदगी? क्या बिगाड़ था उस मासूम सी बच्ची ने तेरा? अरे बहुत कमीना है। अरे मुझे तो तुझे उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए जिस दिन तूने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अरे क्यों किया तूने उसके साथ ये सब? बस करो पापा, बहुत हो गया। यही प्रॉब्लम है तुम दोनों की। अरे बचपन से देखते आ रहे हैं चांद ये चांद वो, हम क्या है? मैं तो तुम्हारा अपना बेटा था। आज तक तुम दोनों मिलकर मुझे नीचा दिखाते आए सिर्फ उस चांद के लिए जो तुम्हारी अपनी नहीं है। देखो चांद ये चांद वो, सहन नहीं कर पाए चीज को, बिल्कुल नहीं सहन कर पाया। इसीलिए
इसीलिए मैंने उसको प्रताप डाला, इसीलिए डाला। और देखो ना पापा, तेजाब डालने के बाद ही वो बच गई। डॉक्टर साहब, और कुछ सुनना बाकी है? ले जाइए इसे। जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमें माफ कर दे बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं। हाँ बेटा, हमारे बच्चे की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हुई। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर देना बेटा। अंकल, आंटी, आप लोग मुझसे बड़े हैं, प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं आप लोगों की कोई गलती नहीं। आप लोगों ने तो मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। चांद बेटी ठीक कह रही है भाईजान। अंकल, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे अब ऑफिस जाना है। ऑफिस? जी अंकल, डॉक्टर ने कहा था कि अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ और कहीं भी आ जा सकती हूँ। इस हालत में? इस हालत में मतलब अंकल, मेरा चेहरा जला है लेकिन मेरा दिमाग अभी भी वैसा ही है। मैं अभी भी काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं घर पर क्यों बैठ? पर बेटा, लोग देखेंगे तो? मैं समझ सकती हूँ आंटी, क्योंकि हमारे देश में मुजरिम को बीच सड़क पर कोई नहीं घूरता, लेकिन हम जैसे लोगों सब घूरते हैं। लेकिन इस समाज की वजह से मैं डर कर घर पर नहीं बैठ सकती। मैं हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचकर रो तो नहीं सकती ना। मैं आगे बढ़ूं और अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सही कहा तुमने। जाओ और जाकर दिखा दो इन दुनिया वालों को, जान मलिक का हौसला रुक नहीं सकता। जा बेटा, जा। चांद बेटा, एक मिनट। नाज है बेटी। आप लोग मेरे लिए परेशान ना हो, अब मुझे दुनिया से खुद लड़ना है। मंजिलें क्या है, फासले क्या है, जब हौसला है तो मुश्किलें क्या है। हौसला भी किसी यकीन से कम नहीं होता, हर तकलीफ में ताकत की दवा देता है। आज की कहानी सही मायने में तो सीख है उन सभी के लिए जो छोटी छोटी बात पर हार मान लेते हैं। चांद ने अपने हौसले से ये दिखा दिया कि सूरज उसकी सूरत पे तो दाग दे सकता है, लेकिन उसके आत्मविश्वास पर नहीं। इस चांद की तरह उस चांद पर भी कई दाग है, लेकिन है तो वो फिर भी चांद ही। और चांद ने एक बहुत ही अहम बात हम सबके सामने रखी है कि समाज में हम हमेशा पीड़ित लोगों को सहानुभूति और दर्द की नजरों से देखते हैं, जो उन्हें और लाचार महसूस कराती है, जबकि हमें उन्हें हिम्मत देनी चाहिए ताकि चांद जैसे लोग अपने अतीत को पीछे छोड़ जिंदगी में आगे बढ़कर अपने भविष्य को सुनहरा बना सके, उसे एक नई दिशा दे सके। इसी संदेश के साथ अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म से जंग और इंसान के जज्बे की एक और नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।